जय माता की। दोस्तों, नवरात्रि 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रहेंगी। माँ के 9 नवरात्रों पर 9 रंग के वस्त्र पहनने से बहुत अधिक कृपा प्राप्त होती है और माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। 9 दिन में हमें कौन कौन से कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं, कौन कौन से रंग पहन सकते हैं, चाहे आप सूट पहने, साड़ी पहने, उस दिन जो भी आपको पसंद है इन्हीं कलर्स को पहन लीजिए, तो आपको माँ का पूरा आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि रंगों का भी हमारे जीवन में, हमारी किस्मत पर बहुत प्रभाव पड़ता है मित्रों। तो सबसे पहले फर्स्ट नवरात्र पर पीले रंग के वस्त्र पहने। पीला रंग खुशहाली का प्रतीक है, तो पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही आप इस दिन पूजा करें। और उसके बाद ये पीला रंग आपको पूरा दिन पहनना है, चाहे पीले रंग की आप साड़ी ले लीजिए, पीले रंग की कुर्ती ले लीजिए, सूट ले लीजिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वही चीज़ ले सकते हैं। दूसरा, नवरात्रि में आपको ग्रीन कलर के कपड़े, हरे रंग के कपड़े पहने तो बहुत ही शुभ होगा मित्रों। हरा रंग प्रगति का प्रतीक है और दूसरे नवरात्रि पर हरे रंग के कपड़े पहनकर आप पूजा करें, पूरा दिन हरे रंग के वस्त्र ही धारण करें तो बहुत ही शुभ होगा। तीसरे नवरात्रि पर मित्रों आप फिरोजी या स्लेटी दोनों में से कोई भी कलर पहन सकते हैं। अगर आप फिरोजी पहनना चाहते हैं फिरोजी कलर के कपड़े पहन लीजिए, अगर ग्रे या स्लेटी पहनना चाहते हैं तो वो पहन लीजिए। फिरोजी कलर और ग्रे कलर दृढ़ता का प्रतीक है, जिससे हमें हर क्षेत्र में दृढ़ता मिलती है। उसके बाद चौथे नवरात्रि पर मित्रों आपको ऑरेंज कलर के कपड़े, ऑरेंज कलर की साड़ी, ऑरेंज कलर का सूट पहनना चाहिए। ऑरेंज कलर पॉजिटिव एनर्जी लाता है, सकारात्मकता का प्रतीक है, घर में पॉजिटिविटी आती है और आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, अच्छे होते चले जाते हैं। तो पांचवें नवरात्रि पर आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, ऑरेंज या संतरी कलर के कपड़े अवश्य ही पहने। उसके बाद मित्रों आता है हमारा पांचवा नवरात्रा। पांचवें नवरात्रि पर आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। देखिए, सफ़ेद साड़ी हमारे में नहीं पहनी जाती सुहागन महिलाओं के लिए, तो आप सफ़ेद पूरा कपड़ा मत पहनिए, सफ़ेद बेस ले लीजिए, उसके ऊपर कोई भी और कलर हो सकता है, चाहे तो सफ़ेद रंग का प्रिंट हो या सफ़ेद रंग का बेस हो। इस तरह से सफ़ेद कलर के कपड़े पवित्रता का प्रतीक है, ये पांचवें नवरात्रि पर आपको पहनना है। छठे नवरात्रि पर मित्रों आपको लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, लाल रंग का सूट। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है, तो आप छठे नवरात्रि पर लाल रंग के कपड़े वस्त्र अवश्य ही पहने। उसके बाद मित्रों सातवें नवरात्रि पर आपको नीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। नीला रंग अपार शक्ति का पवित्र प्रतीक है और हमारी माता रानी तो खुश शक्तिशाली हैं, खुश शक्ति का प्रतीक है, तो ये वाला कलर आपको सातवें नवरात्रि पर पहनना है, नीले रंग। उसके बाद मित्रों जब आप कढ़ाई करें, कई लोग अष्टमी को कढ़ाई करते हैं, कई नवमी को कढ़ाई करते हैं, हमारे यहाँ अष्टमी को की जाती है, तो अष्टमी की जब कढ़ाई भी करें तो आप पिंक गुलाबी कलर के कपड़े पहनकर करें। गुलाबी कलर के कपड़े पहनकर पूजा करें, कन्या पूजन गुलाबी वस्त्रों में ही करें अष्टमी वाले दिन, तो गुलाबी कलर के कपड़े पहनना अष्टमी पर बहुत ही शुभ होता है, अपार शक्ति का प्रतीक है, अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अष्टमी की कढ़ाई आप गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर करें, कन्या पूजन आप गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर करें। उसके बाद मित्रों नौवें दिन लास्ट नवरात्रि पर आप बैंगनी कलर के कपड़े पहने। बैंगनी कलर इच्छा पूर्ति का प्रतीक है, आपकी सारी इच्छाएं इससे पूरी हो जाएंगी, तो नौवें नवरात्रि पर आप बैंगनी कलर के कपड़े पहने। इस तरह से मित्रों आपको 9 दिन के 9 रंग हमने आपको बताए, इन 9 रंगों को पहनकर आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो मित्रों आप ये 9 रंग के कपड़े अवश्य ही पहने, चाहे इनसे मिलते जुलते रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। आपको हमारी आज की यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।